नमस्कार दोस्तों, आज ये देखिए स्टैम्पिंग जो है स्क्वायर में है। आज इसको हम लोग दो ब्लेड दो पंखी वाइंडिंग करने वाले हैं, जो जिसका आरपीएम होगा 2800 समथिंग। ठीक है, तो इस स्टैम्पिंग के बारे में जान लेते हैं। यह 24 स्लॉट है इसकी। अगर स्टैम्पिंग कोर की बात करें तो ये 1 इंच है, देख रहे हैं, 19 mm। ठीक है, और इसको हम लोग बाइंडिंग करने वाले हैं हाई स्पीड में दो ब्लेड के लिए। चलिए हम लोग कॉइल बनाते हैं। देखिए मीटर को हम 0 कर दिए। ठीक है, देखिए 230 टर्न। फिर से ये दूसरी कॉयल हम लोग बना रहे हैं, इसको 0 कर देते हैं। देखिए 230 टर्न हो गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग के लिए हम लोग ये कॉयल बना रहे हैं, इसको 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए 225 टर्न चलाएंगे। टर्न हो गया। ठीक है, इसको हम लोग 0 कर देते हैं। चलिए फिर चौथा हम लोग कॉइल बनाते हैं 225 टर्न का स्टार्टिंग के लिए। देखिए 225 टर्न हो गया। ठीक है, अब इसको हम तार के टुकड़े से हम इसको बांध देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा तार उलझे नहीं, उसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्त, हम लोगों ने कॉइल बनाया है ये दो रनिंग के लिए और ये दो स्टार्टिंग के लिए, और इसका टर्न है 230। और वायर गेज की बात करें तो दोनों 30 नंबर की वायर है, एल्युमिनियम वायर है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग वाइंडिंग करते हैं। और आपको एक बात और समझा दें कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो इनर का वायर है जो हमेशा आगे की तरफ रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉइल को डालते हैं। देखिए, और इसमें आपको 6 स्लॉट बीच में छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6, और 7वें स्लॉट में इसको डालना है। ठीक है, देखिए 2 4 6, इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं, और इनर जो है इसको हम उधर कर देते हैं ताकि हमारे तार में वो उलझे नहीं। और इसको हम लोग मोड़ करके 9 और 10 स्लॉट में हम लोग डालेंगे। ठीक है, यह इतना इजी है कि आप इसको 10 से 15 मिनट में इसको आप बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कनेक्शन आपको समझना है कि कैसे लूप जो है इन आउट का जो वायर निकलेगा वही लूप को आपको समझना है। ठीक है, फिर से इसको हम लोग ऐसे मोड़ करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, देखिए, तो देखिए हमने कॉइल को डाल दिया। अब इसको आपको बता देते हैं। देखिए ये जो वायर निकला है यहाँ से निकला हुआ है, और जो मेरा इनर था जो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब आपको कॉइल की ओर बता देते हैं कि ये लूप किस साइड में जाएगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि वीडियो में अच्छा दिखे आप सभी को। देखिए ये वाला जो है यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो लूप है यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको ये वाला जो लूप मेरा निकल रहा है इसको यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बराबर कर लेंगे, और बराबर करके इसको हम लोग डालेंगे। तो हमको डालना है इधर ऊपर से 3 छोड़ करके, 1 2 और 3 वाला में। ठीक है, तीसरे वाला में यहाँ पे डालना है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 छोड़ करके तीसरे वाला में डालना है, 1 2 और 3 वाला में डालना है। ठीक है, अब मेरा जो ये स्लॉट जो है ये बीच में 6 स्लॉट छूट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे स्लॉट 6 छूट जाएंगे। जब भी हमारा लूप निकलेगा तो आमने सामने क्रॉस में, ठीक है,
तो देखिए ये मेरा ये वाला लूप जो होगा ये मेरा लूप हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग ऐसे करके मुड़ के इसमें डाल देते हैं और इसको यहां पे डाल देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग ऐसे मोड़ लेते हैं, इसको मोड़ करके और बीच में यहाँ पे छूट रहा है और यहाँ पे छूट रहा है, ये दोनों में एक एक बार डाल देना है, ठीक। देखिए हमारा कॉइल डल चुका है और आपको बोले थे कि क्रॉस में आएगा सामने सामने। देखिए यहाँ इनर है और यहाँ पे भी इनर का काम करेगा, ठीक है। और ये जो मेरा होगा यहाँ से निकला और यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा कॉइल डालने का तरीका जो है बहुत अच्छा है, तो आप भी इस तरीकों को अपना सकते हैं और बहुत सारे अच्छा से अच्छा कॉइल को आप बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग की कॉइल है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो इनर है हमेशा आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे बना दें और यहाँ पे बीच में 6 स्लॉट आपको छूट जाएंगे क्योंकि इसके जर इसके साथ पास नहीं डालना है इसको। अब इसको यहाँ पे डाल सकते हैं इसके जस्ट बगल में, ठीक है। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और बीच में आप स्लॉट को काउंटिंग करेंगे तो फिर से 6 स्लॉट ही छूट जाएंगे, 2, 4 और 6, ठीक है। और सातवें में हमारा कॉइल डल गया, ठीक है। अब इसको फिर से ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ करके इसके जस्ट बगल में इसको डाल देंगे और फिर इसके बगल में, देखिए ये हो गया। अब इसको ऐसे टाइट कर लीजिए और इसको फिर से मोड़ करके इसमें डाल दीजिए, देखिए इसके जस्ट बगल में डाल दिए और इसको भी इसके जस्ट बगल में एक स्लॉट खाली है उसी में इसको डालना है। अब 3 इधर में स्लॉट बच गए होंगे, ठीक है। 3 इधर में स्लॉट बचा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे आपको रनिंग वाले कॉइल में भी समझाया था वैसे ही इसको भी। अब देखिए यहाँ पे ये है मेरा इनर, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हमेशा आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे माप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माप के इसको बराबर होना चाहिए, ठीक है। का ये वाला जो है ये छोटा हो जाएगा, तो चलिए इसको यहाँ तक हम लोग यहाँ तक इसको माप लिया, ठीक है। और मेरा ये आउटर का कॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग कॉइल डालते हैं, देखिए जस्ट इसके बगल में यहाँ पे पेपर डाल दीजिए और यहाँ पर भी इसके, देखिए। अब ये देखिए अब फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो 2, 4, 6 स्लॉट आपके बीच में छूट जाएंगे और फिर इसको हम लोग इसको ऐसे हम लोग मोड़ करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। देखिए 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 हो गए।
अब जस्ट यहाँ पे है, अब इसको हम लोग ये ऐसे मोड़ लेते हैं। एक यहाँ पे स्लॉट खाली है नीचे, ठीक है, यहाँ पे खाली है, तो उसमें इसको हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे स्लॉट खाली है, देखिए यहाँ पे एक स्लॉट खाली है, इसी स्लॉट में इसको हम लोग डाल देते हैं। ये जो बाइंडिंग कर रहे हैं हम लोग, ये हाई स्पीड दो ब्लेड के लिए, स्पेशली दो ब्लेड के लिए हम लोग बाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा जो है कॉयल में हम लोग स्टार्टर में हम लोग कॉयल दोनों डाल दिए, स्टार्टिंग और रनिंग का, ठीक है। ये देखिए ये जो ये दो हमारे रनिंग का आउटर है और ये दोनों स्टार्टिंग के आउटर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग धागा से बांधते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सेपरेटर पेपर डाल दिया, अब इसको धागा की सहायता से इसको हम लोग बांध लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इधर से धागा से बांध दिए, अब लूप साइड है तो लूप साइड भी हम लोग सेपरेटर डालते हैं और इसको वाइंडिंग करते हैं। तो देखिए दोस्त ये रेड वायर हम लोग रनिंग के लिए दे रहे हैं, ठीक है, और ये रेड वायर को भी रनिंग के दूसरे लूप में, और ये ब्लैक वायर को स्टार्टिंग के एक लूप में, ठीक है, और ये दूसरे स्टार्टिंग के लूप में ब्लैक, ठीक है। और एक बात ध्यान में जरूर रखें, जब भी आप कनेक्शन करें यहाँ का वायर का इनामेल उतार दें, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे हटा दिया, वाइट दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इनामेल लगा हुआ है और यहाँ पे हट गया, ठीक है। तो इतना बात जरूर ध्यान में रखें आप, उतना अगर हम लोग दिखाते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग स्लिपिंग डालते हैं, देखिए हमने स्लिपिंग डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग टेप से इसको थोड़ा टेपिंग कर देते हैं ताकि अच्छा भी दिखे और थोड़ा चूहा से भी सेफ्टी रहता है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से सजा लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, किसी कुशल टेक्नीशियन का काम किया हुआ जैसा लगे, ठीक है। इधर से हम लोग इसको मोड़ लेते हैं और इधर से हम लोग इसको मोड़ लेते हैं, ठीक है, दो इधर में और दो इधर में हम लोग कर देते हैं इसको और इसको धागा सहायता से बांध लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बांध लेते हैं। चलिए देखिए हम लोगों का कॉइल दो ब्लेड का तैयार हो चुका है। तो यह बहुत कम से कम समय में यह कॉइल तैयार हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग चलते हैं अब सीरीज बोर्ड पे और वहाँ पे टेस्टिंग करके आपको दिखलाते हैं। तो हम लोग सीरीज बोर्ड पे आ गए हैं और ये देखिए मेरा सीरीज बोर्ड काम कर रहा है और ये दो रेड वाला जो है ये हमारे रनिंग की कॉइल है, देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है, ये बड़ी नहीं आ रहा है। और ये ब्लैक वाला जो है स्टार्टिंग की कॉइल है, ये भी बड़ी नहीं आ रहा है। यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।